अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अग्निपथ योजना को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ है, अब इसे विपक्ष की साजिश भी कहा जा रहा है। वैसे तो कुछ बिकाऊ रक्षा तज्ञ यानी माहिरी ने दिफा कैसे अग्निपथ स्कीम फायदेमंद है बता रहे हैं। गोदी मीडिया अग्निपथ की फजीलत बताने में लगी हुई है। छोटी सी बात पर भी ट्वीट करने वाले वजीर आजम की ट्वीट की चिड़िया खामोश नजर आ रही। खैर, आज बहुत बड़ी बात कहने की जरूरत करते हुए स्कीम के पीछे की साजिश को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कुछ जरूरतमंद साफियों ने स्कीम के पीछे की साजिशों को बेनकाब करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के जाकिर हुसैन ने भी स्कीम को बेनकाब करते हुए इसके पीछे हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश बताई है। मिरर ने भी फौजियों का हिंदुत्वकरण कहते हुए इस पर रोशनी डाली है कि किस तरह से फौजियों के नाम पर फसादी दंगाई बनाने की साजिश कही जा रही है। अब धीरे धीरे परत खुलती जा रही है। कई सारे लोगों ने इस बात पर तस्करा करना शुरू किया। आखिर किस तरह की साजिशें मौजूदा हुकूमत कर रही है, इसका महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। पहले इसी तरह मुस्लिम मुखालिफ एनआरसी सीएए को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, पर कोरोना ने इनका खेल बिगाड़ दिया था। लिहाजा एक बार फिर जिस साजिश को अंजाम देना चाहते थे, अब नौजवानों ने सड़कों पर आकर इस योजना की मुखालिफत विरोध कर रहे। मतलब साजिश तो बहुत चली जा रही है, लेकिन नाकाम भी उसी तरह होती नजर आ रही है। दरअसल अग्निपथ स्कीम के पीछे फौजियों का हिंदुत्वकरण कहा जा रहा है। कुछ ने तो अग्निपथ भारत को फसाद की आग में झोंकने की साजिश भी बताई है। इस पर जो बातें अब कही जा रही है, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करें। क्या है अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम और इसके पीछे छिपी हुई साजिश क्या है? इससे पहले TOR टूर ऑफ ड्यूटी नाम दिया गया था। इसमें नौजवानों की भर्ती 4 साल के लिए होगी और इन्हें अग्निवीर के एजाज से नवाज दिया जाएगा। इन्हें 30,000 से 40,000 हर महीना तनख्वाह अदा की जाएगी। इनकी उम्र 17 से 21 साल होगी, लेकिन अब जो बढ़ाकर 23 साल तक की गई है। इस स्कीम का मतलब यह भी है कि भर्ती 25% युवाओं को आगे सेना में मौका मिला और बाकी 75% नौजवानों को तरबियत के बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी। 2 साल इनकी 4 साल तक नौकरी करेंगे, उसके बाद इन्हें छोड़ दी जाएगी। 4 साल बाद 25% फौजियों को काबिलियत पर फौज में कायम कर लिया जाएगा। पहले दिगर 75% नौजवानों का क्या होगा, इस पर तबसरा करते हैं। दिगर 75% को फौज में तरबियत की महारत का सबूत यानी कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा, ताकि उन्हें अपनी काबिलियत के मुताबिक सरकारी या निजी कंपनियों में इन्हें तरजीह दी जाती है, यानी कि इन्हें पहले लिया जाता है। 4 ही साल क्यों, ये भी एक सवाल है। दरअसल 5 साल पूरा हो जाने पर सरकारी कानूनों के मुताबिक ग्रेचुटी फंड समेत कई सरकारी सहूलतों को देना पड़ता है। 4 साल का कोर्स होगा तो सरकार इन जिम्मेदारियों से बच जाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता या मेहनत कशों की एकता, असल तो यह है कि सेना का हिंदुत्वकरण जो पहले से भी जारी है, उसे और जारी रखते हुए इस अग्निपथ योजना के तहत हिंदुओं का सैन्यकरण है कि फौजीकरण, मतलब हिंदुओं को सैनिक बनाने का काम आगे बढ़ाया जाएगा। इस काम के लिए ये 4 साल का एक निसाब होगा, यानी कि सिलेबस होगा। ये 4 साल की नौकरी तरबियत की तरह होगी। इस दौरान जवानों के दिमागों में मुसलमानों, दलितों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों के खिलाफ नफरती सोच फिक्र चूस कर जहन साजी की जाएगी। दरअसल भारत मुख्तलिफ तहजीब मजहबों और जबानों वाला मुल्क है, लेकिन इन नौजवानों के जहनों में एक देश, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक नेता, एक पार्टी, एक विचारधारा का नफरती और तफरका पैदा करने वाला सबक पढ़ाया जाएगा। 4 साल बाद दिगर जो 75% तरबियत हासिल कर माशरे में लौटेंगे, वे कौशल प्रमाण पत्र यानी एजाज माहिरीन का तमगा पाएंगे। इसकी बुनियाद पर इन्हें निजी और सरकारी नौकरियों में भर्ती में इन्हें तरजीह हासिल होगी। इसका मतलब ज्यादातर अहम ओहदे इन्हें ही मिल जाएंगे। जो मुसलमानों में ईसाई और दलितों, कम्युनिस्टों के सख्त मुखालिफ ये अंधभक्त होंगे, नौकरियों में बड़े ओहदे पाने के लिए नौजवानों में इस तरह की फौजी तरबियत पाने की होड़ मचेगी। यानी अक्सर नौजवान नौकरी में तरजीह मिलने की बुनियाद की लालच में आरएसएस के ट्रेनर से अपना माइंड वॉश करवाएंगे और न चाहते हुए भी अंधभक्त बन जाएंगे। यकीनन आरएसएस अपने सरकारी खर्च पर इतनी बड़ी आबादी को तरबियत नहीं दे सकता। तब मुस्तकबिल में नजदीकी आरएसएस के कई धन्ना सेठ अपना सैनिक प्रशिक्षण स्कूल यानी फौजी तरबियती सेंटर खोलकर ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग सेंटर खोलने की ऐसी शर्तें होंगी कि आरएसएस के लोग ही उन शर्तों को पूरा कर पाएंगे। हालांकि यह छोटे पैमाने पर इस वक्त भी जारी है, फिलहाल मौजूदा हालात में भी, और कई जगह पर आपने फौज में दाखिल होने की इश्तेहारबाजी भी देखी होगी। दिगर 75% जवान मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों के खिलाफ ट्रेनिंग हासिल करके आएंगे तो अपने खानदान के अफराद के दिगर मेंबरों को, अपने पड़ोसियों को, दोस्तों और रिश्तेदारों का भी माइंड वॉश करेंगे। हालांकि फौज में अभी भी मुस्लिम मुखालिफत जहनीत को बढ़ावा देने के इल्जाम बारह लगते रहे हैं।
जानबूझकर ऐसा माहौल बना दिया जाता है जिससे फौजियों के दिमाग में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात भर दिए जाते हैं। वैसे भारत के तमाम पड़ोसी मुल्कों से हमारे रिश्ते खराब है, चीन, श्रीलंका, यहाँ तक नेपाल से भी भारत के रिश्ते सही नहीं है, पर पाकिस्तान से जंग और बार बार टीवी न्यूज चैनलों डिबेट में भी पाकिस्तान का नाम लेना और भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी हिमायत बताकर मुस्लिम मुखालिफ माहौल को परवान चढ़ाकर अक्सरियत समाज के नौजवानों को मुस्लिम मुखालिफ बनाना इसके पीछे मकसद है। बार बार भारत पर दहशतगर्दी का हमला, पाकिस्तानी आतंकवादी मुस्लिम मोहल्ले में छिपने की खबरों को जानबूझकर बढ़ावा देना और हिंदू मुस्लिम डिबेट के जरिए मुसलमानों को देश विरोधी बताना, मस्जिदों से पत्थर का नैरेटिव चलाना वगैरह इसी का हिस्सा कहा जा सकता है। अग्निपथ के पीछे के मकसद को इन्हीं बातों से तकवियत मिल सकती है। मुसलमानों, ईसाइयों, दलित और कम्युनिस्टों के खिलाफ माहौल गर्म करने के लिए बार बार वक्तन फवक्तन दंगे भी किए जाते हैं। अग्निवीर इन दंगों में चौंक दिए जाते हैं। हिटलर ने तो सिर्फ 7 लाख यहूदियों को मारा था, अग्निपथ के जरिए अकलियतों, दलित समाज के करोड़ों लोगों को मारने में काबिल हो जाएंगे। अब अगर अग्निपथ स्कीम को अगर कायम करने के बाद अगर कोई मजहबी तशद्दुद या फिर फसाद बर्पा किया जाएगा तो कई करोड़ गरीब हिंदू और कई करोड़ गरीब मुसलमान भी मारे जाएंगे। अमीर लोग इसलिए बच जाएंगे क्योंकि आरएसएस में लगभग सारे अमीर हिंदू बराए रास्त या बिलावास्ता जुड़े हुए ही हैं और अमीर मुसलमानों से तो आरएसएस की रिश्तेदारी है ही नहीं, तो भी अमीर मुसलमान अपनी प्रॉपर्टियां बचाने इनके साथ हाथ मिला लेंगे। लिहाजा कुछ एक को छोड़कर अमीर मुसलमानों और अमीर हिंदुओं का तो कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए यह अग्निवीर योजना आरएसएस गरीब मुखालिफ साजिश का एक हिस्सा कहा जा सकता है। रिजर्व फोर्स के जवान सरकारी खजाने से खाते पीते हैं, वर्जिश करते हैं और भारी भरकम तनख्वाह भी उठाते हैं, मगर अग्निवीर 4 साल की ट्रेनिंग के बाद वापस घर आ जाएंगे। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद इन पर कोई खर्च नहीं आएगा। ये ऐसे रिजर्व फोर्स होंगे जब इन्हें लड़ने, काटने, मारने के लिए तैनात किया जाएगा, तभी इन्हें तनख्वाह देना होगा। मतलब एक तरह के भाड़े के फसादी बना दिए जाएंगे। ये एक तरह से मुफ्त के रिजर्व फोर्स बन जाएंगे। जब कभी श्रीलंका जैसे हालात होंगे, जनता अपने जीने के हुकूक के लिए सड़कों पर उतरेगी, तो जनता को कुचलने के लिए अग्निवीरों को महीना 2 महीने के लिए हथियार थमा दिया जाएगा। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस में भी तरजीह दी जाएगी। वे लाइसेंसी हथियारों की आड़ में काबिलियत की बुनियाद पर कई गैर कानूनी असला भी रख सकते हैं, जिससे गरीबों, दबे कुचले माशरे के खिलाफ जुल्म उड़ाएंगे। कुछ मुस्लिम या ईसाई नौजवान भी अग्निवीर में भर्ती हो सकेंगे, पर इनकी ड्यूटी इस तरीके से लगा दी जाएगी कि वे दिगर माशरे की मुखालिफ चीजों को तो सीख सकेंगे मगर मुस्लिम और ईसाई मुखालिफ निसाब से महरूम रहेंगे। अग्निपथ की ट्रेनिंग के बाद ज्यादातर लोग बीजेपी के पक्के वोटर बन जाएंगे। कुछ लोग आरएसएस के प्रचारक यानी मुबल्लिग भी बन जाएंगे। फिलहाल लगभग 98 लाख सरकारी ओहदे खाली पड़े हैं। कई दर्जन भर्तियां तनाजे का शिकार हुई हैं। बीते 8 सालों में भर्तियों में 80% गिरावट आई है। महंगाई, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी भयानक रूप अख्तियार कर चुकी है। भारत अपने पड़ोसी श्रीलंका से भी बदतर हालत की ओर चल पड़ा है। भारत में श्रीलंका नहीं बल्कि उससे भी भयानक एहतजाज हो सकते हैं। फौज में किसी तरह की बगावत ना हो, सेना विद्रोह ना करे, 1857 फिर ना हो जाए, इसलिए पहले से ही सावरकर की सोचो फिक्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। लिहाजा इतनी बड़ी साजिश की इस अग्निपथ स्कीम के पीछे मंसूबों पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक किसी तरह स्कीम रद्द करने के मूड में नजर नहीं आ रही। उसे इस मुल्क के संविधान को बदलना है, मुस्लिम, दलित, ईसाई, कम्युनिस्ट के खिलाफ महाज खोलना है और अग्निपथ इसी का नाम है। लिहाजा कई अखबारों में इसकी वजाहत की जा रही है, पर क्या मुस्लिम समाज को इसकी कुछ खबर भी है? अपनी जिंदगियों में मस्त इस माशरे पर तो तरस आता है कि आखिर किस हद तक जाकर इनके खिलाफ साजिशें बनाई जा रही है। अल्लामा इकबाल ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। सहारा फाउंडेशन एनजीओ इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली सोसाइटी, आज हम लोगों ने इन कोलैबोरेशन में आई टेस्टिंग और फ्री मोतीबिंज का ऑपरेशन, जिसके अंदर बीपी शुगर भी चेक किया जा रहा है, उसके साथ साथ हम 16 साल से कम और 45 साल से ऊपर के लोगों को चश्मा भी फ्री कर रहे हैं। ये इनिशिएट करने का हमारा रीज़न ये है कि जो बच्चे आज हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चों को आंखों की तकलीफ़ है। ये इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे मोबाइल देखना या फिर विटामिन्स की कमी, ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से। ये हमारे ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोगों ने ये नतीजा लिया कि जो बच्चों को तकलीफ़ है, जो बच्चे चश्मा नहीं खरीद सकते हैं, इसके लिए हम लोग आज फ्री में चश्मा देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों का नंबर रजिस्टर हुए हैं और 75 से ज़्यादा लोगों को अभी तक चेकिंग की गई है, और इंशाल्लाह एक 21 डेज के अंदर हम लोग का चश्मा भी इनको लाकर दे देंगे। और जैसा कि सहारा फाउंडेशन काम कर रहा है, हम लोगों ने पिछले महीने में खतना का काम किया था, आज आई टेस्टिंग का काम कर रहे हैं, और भी हम लोग फ्री में जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है, गवर्नमेंट के प्रोविजन्स है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, नेक्स्ट मंथ में हम लोग डेंगू प्रिवेंशन कैंप करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल 12,000 से ज़्यादा लोगों को डेंगू कैंप किया था, इस साल हमारा टारगेट 25,000 लोगों का है। तो जो भी बेलगाम सराउंडिंग में जमाते हैं, यंग कम्युनिटीज़ हैं, जो भी अपने एरिया में डेंगू प्रिवेंशन कैंप करना चाहते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग सारे अरेंजमेंट उनको करके दे सकते हैं, हमारे साथ कोलैबोरेशन करके वो कैंप कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था कि एक हम लोग चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कम से कम पैसों में लोगों का फ़ायदा होने का होगा। गुजारिश है कि सारे बेलगाम के अवाम, सराउंडिंग जितने भी लोग हैं, जो भी कम्युनिटी है, हमारे साथ जुड़ कर रहें और हमारा साथ दें। इंशाल्लाह जो हमारे एम्स हैं उसमें हमें अचीव करने में हमें लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। आज जो कैंप हम लोगों ने किया है, इसके अंदर बीम्स हॉस्पिटल और डॉक्टर चांदनी लेप्रेसी ऑफिसर, हमारे बेलगाम के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर DHO सर, THO सर, और ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया है, और अपने सारे स्टाफ को जितना हमें लोगों को मांगा था उससे ज़्यादा स्टाफ दिया है, और हमें बहुत सपोर्ट करके आज ये कैंप जो आज सक्सेसफुल हुआ है, उसका रीज़न यही है कि इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट दिया है। तो मैं इन सबका दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ, और इन्होंने हमें ये एश्योरेंस भी दिया है कि जो भी गवर्नमेंट के जो प्रोविजंस है या फिर जो गवर्नमेंट के अंदर जितने स्कीम्स हैं, वो सारे स्कीम्स हमारे NGO को जो भी चाहिए, हम लोग एक लेटर देने के बाद वो हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज सहारा फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से हमने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, जैसे कि आँखों का चेकअप, और उसमें फ्री जो है चश्मे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, स्पेक्स, और मोतियाबिंज का जो चेकअप है वो मोतियाबिंज का चेकअप करके उनको मोतियाबिंज का ऑपरेशन भी अरेंज कराया जा रहा है। और हम इसमें जो भी दूसरों के आँखों के प्रॉब्लम भी है, दूसरी भी जो आँखों में प्रॉब्लम होती है, वो भी हम चेक करके उनको अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अभी जैसे हमारे कैंप्स चल रहे हैं, और भी बहुत सारे कैंप्स करने का हमारा इरादा है। अगर यहाँ आपके कैंप पे उज्ज्वल नगर में, जो अभी हमारे ऑफिस के बाहर हमने कैंप किया है, अगर यहाँ किसी का नंबर नहीं भी लग रहा है, तकरीबन अभी तक 12:30-1 बजे तक जो है 300 से ज़्यादा हम कूपन दे चुके हैं। अगर नहीं भी हो रहा है तो इंशाल्लाह हम और भी कैंप करने की कोशिश करेंगे इस तरह के, और नेक्स्ट हम डेंगू कैंप भी करने वाले हैं, क्योंकि बारिश के दिन अभी जो है आ गए हैं, और ऐसे ही हम काम करना चाहते हैं। मगर हमारी बेलगाम के आवाम और दूसरी आवाम से यही गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ें, काम को समझें, और इसमें जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि अगर सब लोग जुड़ेंगे तो जो ज़रूरतमंद लोग दूर दूर तक है, हम उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको हर सहूलत हम पहुंचा सकते हैं। तो यंग जनरेशन से खासकर हमेशा मैं अपील करता हूं कि टाइम यहां वहां वेस्ट करने से अच्छा है कि सोशल वेलफेयर के काम में हमारे साथ जुड़ें या किसी और इदारे के साथ जुड़ें, जुड़कर काम करने की कोशिश करें। सहारा फाउंडेशन ना फ्री हेल्थ चेकअप ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ। ಇದು ಒಂದು NGO ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು, ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್। ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು।
ಇದು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿಂದ ಕೇಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯೋ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿನಗರ್ ಪಿ ಎಚ್ ಸಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೂರು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಬಡವರು ಬಂದು ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿದೆ. ಸಹಾರ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟಾಪು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 104 ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಹೈಟು ವೆಯ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನುಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ನ್ಯೂ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 44 ಎನ್ ಸಿ ಡಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಿದೆ.